sweet honey roll. For he tastes like honey in the roll. Oh, taste and see, oh, taste and see that the Lord is good. वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन वाचिंग आवर ब्रॉडकास्ट. आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक और बार आपके सम्मुख में होने के लिए. वी आर इन द बुक ऑफ कोलोसियन. हम कुलुसे के पत्री में हैं. एंड टेलिंग अस हाउ टू लिव बाय ग्रेस. बताते हुए कि किस प्रकार हमें अनुग्रह में रहना है. एंड नॉट लाइक द हीदन हु डोंट नो क्राइस्ट. उस अन्य जाति के समान नहीं जो मसीह को नहीं जानते. वी आर नाउ इन वर्स 12. हम कुलुसे 3 के 12 में. लेट्स रीड दैट. आइए हम पढ़ें उसे. पुट ऑन देयरफॉर. इसलिए उसे हम पहने. एज द इलेक्ट ऑफ गॉड. जिस प्रकार परमेश्वर के चुने हुए के. होली एंड बिलवेड. पवित्र और प्रिय है. बाउल्स ऑफ मर्सीज. बड़ी करुणा से. काइंडनेस. और भलाई. हम्बलनेस. और दीनता. हम्बलनेस ऑफ माइंड. हम्बलनेस ऑफ माइंड. मन में दीनता या दीनता के साथ. वीकनेस. और नम्रता के साथ. लॉन्ग सफरिंग. सहनशीलता के साथ. बेयरिंग वन अनदर. फॉरगिविंग वन अनदर. एक दूसरे को सहते हुए. एक दूसरे को क्षमा करते हुए. इफ एनी मैन हैव अ क्वारल अगेंस्ट एनी इवन एज क्राइस्ट फॉरगिव यू सो आल्सो फॉरगिव. और यदि किसी को किसी पर रोष है तो जिस प्रकार प्रभु ने क्षमा किया उन्हें भी क्षमा करे. इन द लास्ट एपिसोड वी सॉ हाउ वी नीड टू पुट ऑफ थिंग्स व्हिच वर नॉट राइट इन द साइट ऑफ गॉड. पिछले कड़ी में हमने देखा था किस प्रकार उनको हम उतार डालना है जो हमें नहीं पहनना है. नाउ वी आर सीइंग. यहाँ पर हम देखते हैं. How we must be. हमें किस प्रकार होना है. Now when you call yourself by faith these things which Paul has written here. जो पौलुस यहाँ पर लिखा है उस पर आप विश्वास के साथ अपने आप को कहते हैं. Call yourself. अपने आप को पुकारे मैं दीन हूँ. Call yourself humble. अपने आप को पुकारे कि मैं दीन हूँ. Call yourself holy. अपने आप को पवित्र कहे. Call yourself beloved. अपने आप को प्रेमी के तौर पर. Soon you will start believing those things. बहुत जल्दी आप उस पर विश्वास करेंगे. Call yourself forgiven, so I forgive. अपने आप को कहें कि मैं क्षमा किया गया हूँ इस प्रकार क्षमा होगा आपका. ऑल दीज क्वालिटीज आर सो ब्यूटीफुल. ये सभी खूबियां बहुत ही महत्वपूर्ण है. रेडी टू बी मर्सीफुल टू दोज हू हैव सिंड अगेंस्ट यू. आप तैयार हैं करुणामय दिखाने के लिए उन लोगों को जो आपके विरुद्ध में पाप किए. रेडी टू शो ग्रेस एंड मर्सी. आप तैयार हैं उस करुणा को और उस परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाने के लिए. द रीजन इज यू हैव रिसीव्ड सो मच ग्रेस फ्रॉम द लॉर्ड. कारण यह है कि प्रभु से आपने बहुत ही अनुग्रह को पाया. You are है. सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड. आप इतने महान हैं उस प्रभु से. That now you are ready to forgive everyone. और अब आप तैयार हैं क्षमा करने That के लिए दूसरों. You are in the right state. उसका मतलब कि आप सही स्तर पर. राइट स्टेट ऑफ माइंड. और उस सही मन के साथ. You know, Jesus spoke one wonderful parable in the book of Matthew. बहुत ही खूबसूरत दृष्टांत को यीशु ने कहा मत्ती में. And it really benefits us to meditate on that. वो हमारी सहायता करेगी जिस प्रकार हम उस पर मनन करते हैं. How when Peter came to him and asked him. किस प्रकार पत्रस आकर उससे पूछता है. In verse 21 of Matthew 18. मत्ती 18 के 21 में. He said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times. उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करते रहे, तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? Jesus said unto him. यीशु ने उससे कहा. I say not unto thee until 7 times. मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक. But 70 times 7. वरन 7 बार के 70 गुने तक. So this is actually in another place it's written in a day. एक दूसरे स्थान पर यही वचन को इस प्रकार लिखा है कि एक दिन में. So that means what? Unlimited numbers. Whenever somebody does something wrong to you. उसका मतलब यह है कि अनगिनत तक. Get ready to say, Father, I forgive them. तैयार रह के कहने के लिए मैं क्षमा करता हूँ पिता. The moment you are ready to forgive. जिस प्रकार आप तैयार होते क्षमा करने के लिए. You are in the right mindset. और आप सही स्तर पर हैं वहाँ. You have not forgotten that you are forgiven by God. आप ये नहीं भूले हैं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है. You know, in this parable after this, Jesus tells a story. आप जानते हैं इस दृष्टांत के बाद यीशु ने कहानी भी कहा. How a person had owed somebody some money. और किस प्रकार एक व्यक्ति ने दूसरे से पैसा को लिया था. And he could not pay that money back. और वापस वो पैसा को दे नहीं पाया. Oh, that man said, I'm going to put you in prison. उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुझे बंदीगृह में डालूंगा. But he said, No, Lord, please forgive me. I will pay everything. Give me some more time. उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ और समय दे दे, मैं तुझे वापस उस पैसे को दे दूंगा. But that man was so good. He said, Okay, I forgive your debt. वो व्यक्ति इतना भला था कि उसे क्षमा कर दिया. And he forgave him completely. और पूर्ण तौर पर उसे क्षमा कर दिया. But the same person who was forgiven, जो व्यक्ति क्षमा किया गया था, went outside. वो बाहर जाता है. And then he found somebody who owed him something. और वहाँ पर वो पाता है कि कोई व्यक्ति जो उससे कर्ज लिया था. Some small amount, very small amount when compared to what his debt was.
थोड़ा सा रकम था, बहुत ही थोड़ा था अगर उसकी तुलना उससे करते हैं तो. लाइक ही ओड एक्चुअली 1 lakh एंड दैट वाज फॉरगिवन हिम. और जिस प्रकार वो कर्ज लिया था 1 lakh उसको क्षमा किया गया. एंड द ओनर ऑफ दैट पर्सन सेड आई फॉरगिव यू. उसका स्वामी इस प्रकार कहता है कि मैं क्षमा कर देता हूँ. दिस मैन हु हैड 1 lakh वेंट आउटसाइड एंड फाउंड समबडी हु ओड हिम 500 rupees. मगर ये व्यक्ति जिसको 1 lakh था जब वो बाहर गया उससे कोई 500 rupees लिया था. देन ही टुक हिम एंड पुट हिम इन जेल. वो उसे उठाकर बंदीगृह में डाल दिया. दैट मैन आल्सो सेड वेट फॉर सम टाइम आई विल पे यू बैक. उस व्यक्ति ने भी कहा कुछ समय के लिए रुके मैं वापस उस पैसे को दे दूंगा आपको. बट ही डिड नॉट लिसन. तब वो उस पर ध्यान नहीं दिया. ही टुक हिम एंड पुट हिम इन जेल. वो उसे पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया. बट द फर्स्ट मैन हर्ड अबाउट दिस. जब पहला व्यक्ति ने इसके बारे में सुना. एंड ही सेड यू आर अ विकेड सर्वेंट. तब उसने कहा कि आप एक दुष्ट दास हैं. बिकॉज़ यू वर नॉट विलिंग टू फॉरगिव दिस पर्सन हु ओड यू सम मनी. क्योंकि आप तैयार नहीं थे उन्हें क्षमा करने के लिए जिसने आपसे कुछ पैसा लिया था. फेल फ्रॉम ग्रेस. वो उस अनुग्रह से गिर चुका था. सो मच ग्रेस दैट दिस मैन हु ही ओड अ लाख फॉरगिव हिम. और लाखों रुपया लिया था उसको उसने क्षमा कर दिया. बट बिकॉज ही डिड नॉट फॉरगिव. मगर उस व्यक्ति ने क्षमा नहीं किया दूसरे को. सो ही वाज थ्रोन इनटू प्रिजन. इसलिए वो व्यक्ति बंदीगृह में डाला गया. इन फैक्ट द बाइबल टेल्स अस. परमेश्वर का वचन कहता है. वर्स 33 सेज. 33वां पद कहता है. शुड नॉट दाउ आल्सो हैव हैड कंपैशन ऑन थाई फेलो सर्वेंट. क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था. इवन एज आई हैड पिटी ऑन दी. जैसे मैंने तुझ पर उस दया को दिखाया See, था. The Lord has pity on us, so he's forgiving. प्रभु हमारे ऊपर तरस खाया इसलिए उसने क्षमा किया. He's showing us love as a loving father. और एक प्रेम को दिखाता एक प्रेमी पिता के तौर पर. Keeping us in the center of our heart. वो अपने हृदय में हमें रखा हुआ है. But we are called to forgive others when they do us wrong. हम बुलाए गए हैं दूसरों को क्षमा करने के लिए जब वो गलती करते हैं हमसे. If not, what happens in verse 34? 34वें पद में यदि उस प्रकार ना हुआ तो. His Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जब तक वो कर्ज वापस ना दे. Now see these tormentors are no one but the devils themselves. और दंड देने वाले और कोई नहीं मगर शैतान खुद. So actually the devils get permission to attack us when we have unforgiveness in our जब हमारे अंदर में हम क्षमा नहीं करते हैं शैतान को उस सहमति मिलती है हम पर दंड करने के लिए. Verse 35 says, so likewise shall my heavenly father do also unto you if ye from your hearts forgive not every one his brother that trespasses. 35वां पद कहता है इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. सो व्हाट आर वी कॉल्ड टू डू. हम किस लिए बुलाए गए हैं क्या करने के लिए. कॉल्ड टू फॉरगिव एवरीवन. हर एक व्यक्ति को क्षमा करने के लिए. डज अस हार्म. जो हम पर चोट पहुंचाते हैं. अनलेस वी हैव अ टेस्ट हाउ डू वी नो वी विल पास इट. जब तक हम पर परीक्षा नहीं होगी कैसे हम जानेंगे कि हम जीत सकते हैं. जस्ट लाइक वी राइट एग्जाम्स एंड पास एंड गेट डिग्रीज. जिस प्रकार हम परीक्षा को लिखते हैं और डिग्री को प्राप्त करते हैं. इन अ क्रिश्चियन लाइफ आल्सो. मसीही जीवन में भी वैसे ही. आर वी रेडी टू सबमिट टू द विल ऑफ द फादर. क्या हम तैयार हैं पिता के सहमति के लिए. वी हम्बल इनफ टू से लॉर्ड आई विल फॉरगिव नो मैटर व्हाट द कॉस्ट. पिता मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ दीन करता हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो. यू नो वंस यू मेक अप योर माइंड लाइक दैट. जब आप अपने मन को एक बार वैसे कर देते हैं. यू आर सो ग्लैड यू आर फ्री एक्चुअली. आप बहुत ही स्वतंत्र हैं आप खुश में. यू आर फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सैटन. उस शैतान के दबाव से आप बाहर निकल चुके हैं. आई वॉन्ट शेयर समथिंग दैट हैपेंड टू मी. मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटा. यू नो माय आई वाज ड्राइविंग माय कार. मैं अपनी गाड़ी को चला रही हूँ. एंड सो आई स्टॉप्ड माय कार एट अ शॉप. एक दुकान के सामने मैंने कार को रोका. देन अ यंग बॉय केम एंड हिट माय कार फ्रॉम द बैक. और पीछे से आकर एक जवान भाई ने मेरे कार को ठोकर मारा. एंड ही डिस्ट्रॉयड माय टेल लाइट्स. और मेरे पीछे के उस बत्ती को पूर्ण तौर पर नाश. एंड ही फेल डाउन. और उसके बाद वो गिर गया. ही डिड नॉट जज माय कार वेयर इट वाज. ही डिड नॉट टर्न इनफ टू स्टॉप टू अवॉइड माय कार. उसने नहीं देखा था मेरे कार कहां पर खड़ा है कि अपने आप को बचा सके. सो ही केम एंड हिट मी. इसलिए वो आकर मुझ पर ठोकर मारा. सो इवन आई वाज सो शॉक्ड टू हियर दिस बिग नॉइज. उस बड़ी आवाज से मैं बहुत ही गंभीर हो गया. When I came out, I saw all my tail lights had disappeared. जब मैं बाहर आई तो मैंने देखी कि पूरी उस बत्ती गिर चुका. And my bumper had got dented. और मेरे बम्पर में ठोकर खाकर खराब हो गया. He also fell down. ये भी गिर पड़ा था वो भाई. And he said sorry, sorry, sorry. उसने कहा कि माफ करे माफ करे. Oh, I said Lord, I have to forgive him, so I forgive him. मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना है और क्षमा कर दिया. I went into the shop. और उसके बाद मैंने दुकान पर. By the time I came back, जब मैं वापस आया, his parents had been called and they came. उनके माता पिता को बुलाया गया और वो वहाँ पर आए. And they came and tried to say that I was reversing my car and that's how he
He got hurt. वो आकर कहने लगे कि जब आप पीछे कर रहे थे तब हमारे बेटे पर ठोकर खाई गई। My car was under parking. It was stopped completely. I was not moving. मैंने अपने कार को किनारे पर कर चुका था, वो बंद हो गया। But you know how people are. They want to find fault with us. मगर आप जानते हैं कि किस प्रकार वो हमसे गलती ढूंढते हैं। So I said in my heart, Lord, I forgive even the parents for whatever they are saying. मैंने अपने हृदय पर कहा, जो कुछ उनके माता पिता कह रहे हैं उन्हें भी मैं क्षमा कर देती हूँ। The people who were standing, they said, no, no, she was parked. She did not move. Back or front. जो लोग वहाँ पर खड़े थे उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने गाड़ी को आगे पीछे नहीं किया, वहीं पर ठहरे थे। The Lord will take over our case when we choose to forgive. जब हम क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु उन बातों को अपने हाथों में ले लेगा। And he will set us free from tormentors. उन दंड देने वालों से वो हमको छुटकारा देगा। So we do go through tests. जब हम परीक्षा से जाते हैं, and every test we can pass. हर एक परीक्षा को हम पार कर सकते हैं। If we say we are in Christ. अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, We have received grace. हम उस अनुग्रह को Now I'm ready to give grace. और हम तैयार हैं अनुग्रह को देने And I'm के लिए. Ready to have the nature of Jesus seen in me. यीशु के स्वभाव मेरे अंदर में उसे देने के लिए मैं तैयार हूँ. So, let's look at that list once more. एक और बार उन बातों को हम देखने पाएं. In Colossians 3. कुलुस्से उसके तीसरे अध्याय में. Very nice verses here. बहुत ही अच्छी आयतें यहाँ पर हैं। If you are not like this, don't be guilty. अगर उस प्रकार नहीं है तो अपने आप को दोष न ठहराएं। Turn to the Lord. प्रभु की ओर मुड़ें। And say, Lord, make me like this. प्रभु से कहें कि मुझे उस प्रकार बनाओ। No, it's the Lord who changes our hearts and minds. वो प्रभु है जो हमारे हृदय और मन को बदलता है। If you are in Christ, you have no condemnation. अगर आप मसीह में हैं, आप पर कोई दंड नहीं है। But you need to change. मगर आपको बदलना होगा। And how do you change? किस प्रकार बदल सकते हैं? By taking the help of the Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा की सहायता से। Lord, make me like the scripture verses tell me. उन आयतों के समान मुझे बना जो मुझे बताई गई हैं। Because if you have unforgiveness. अगर आप क्षमा नहीं कर सकते हैं दूसरों को। God taught me once that you are like a Siamese twin which is joined together. प्रभु ने इस प्रकार एक बार सिखाया कि आपका जीवन साइमिस जुड़वे के समान है। Yes, it's so difficult to live attached to somebody else. हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है दूसरे के साथ इस प्रकार चिपके रहना। And that's how you live if you have unforgiveness in your heart. अगर आपके अंदर आप क्षमा नहीं कर सकते हैं तो उसी प्रकार आप रह सकते हैं। When you're sleeping, you're thinking of them. जब आप नींद में हैं तब भी उनके बारे में सोचते हैं। You're thinking of that person. जब आप जागते हैं उनके बारे में सोचते When you're bathing, you're thinking of that person. जब आप नहाते हैं तब भी आप उसके बारे में सोचते हैं When you're dressing, you're thinking of that person who hurt you. जब अपने आप को तैयार करते हैं तब भी आप उस चोट वाले व्यक्ति को याद करते you're हैं eating, you're thinking of that person. जब आप खाते हैं तब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते Now, that's हैं so difficult to live like that. बहुत ही मुश्किल है उस प्रकार जीना We are called to think of Jesus. आप बुलाए गए हैं यीशु के बारे में सोचने Called to live in Jesus. आप बुलाए गए हैं यीशु में रहने के लिए Called to put on Christ. आप बुलाए गए हैं यीशु मसीह को पहनने के लिए Believe Christ is all and in all. आप बुलाए गए हैं कि यीशु पर विश्वास करें और उस मसीहा को Instead of thinking like that. उसको सोचने के सिवाय Just because you're hurt by somebody. और किसी के द्वारा आप चोटिल हुए हैं Just because you have not forgiven them. इस प्रकार की आप उन्होंने क्षमा नहीं किया You're living like a Siamese twin. और साइमिस जुड़वे के समान आप रहते हैं। So, no, you don't want to be like that. आप उस प्रकार नहीं होना चाहते हैं। You want to say, आप कहना चाहते हैं। Lord, I want to be like this. प्रभु मैं इस प्रकार होना चाहता हूँ। Verse 12 of chapter 3 of Colossians. कुलुसे की पत्री 3 के 12. You can make it personal and say, Lord, I want to put on. आप इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं पहनूं। First he's saying you must know who you are. पहले वो कहता है कि आप कौन हैं। You are an elect of God. आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। Chosen by God. परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। So many millions of people, God chose you to reveal Christ to you. करोड़ों लोगों के बीच में आपको चुना गया कि आप प्रकाशन होने पाए मसीह का। Jesus said, I've chosen you. You have not chosen me. यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है आपने नहीं चुना है मुझे If you have put your faith in Christ, अगर आप विश्वास ठहराए हैं मसीह पर Jesus has chosen you to follow him. यीशु ने चुना है उसका अनुकरण करने के लिए Receive his love. उसके प्रेम को ग्रहण करने Secondly, you must call yourself holy. दूसरी बार अपने आप को कहें कि आप पवित्र हैं And then, by faith, when you call yourself holy, you will become holy. जब आप विश्वास से अपने आप को कहेंगे पवित्र हैं, तो आप पवित्र बन जाएंगे You will become holy because the Holy Spirit will impress on your heart whatever you are saying I'm holy, you will become holy. आप पवित्र तब बनते हैं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में कार्य करती है उस पवित्रता को कहने के लिए आपकी जुबान से एक्चुअली हाउ यू बिकम होली इज व्हेन यू पुट योर फेथ इन द ब्लड ऑफ जीसस सचमुच आप किस प्रकार पवित्र बनते हैं जब आप विश्वास ठहराते हैं यीशु के लहू पर चैप्टर 13 वर्स 12 इब्रानियों के पत्री 13वां अध्याय उसका 12वां पद द रीजन व्हाई जीसस सफर्ड क्या कारण था कि यीशु ने उस कष्ट को सहा आउटसाइड द गेट इन जेरूशलेम यरूशलेम के बाहर के फाटक में टू मेक हिज पीपल होली
अपने लोगों को पवित्र बनाने के Let's लिए read that verse. आइए हम उसको पढ़ें. Wherefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood suffered without the gate. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख को उठाया. When you remember, जब आप याद करते हैं, Jesus suffered to make me holy. यीशु दुख को सहा मुझे पवित्र करने के लिए. He shed his blood to make me holy. वो अपने लहू को बहाया मुझे पवित्र करने As के I लिए. As I put my faith in the blood of Jesus, जिस प्रकार विश्वास ठहराता हूँ यीशु के लहू में. I am called holy by the Father. पिता के द्वारा मुझे पुकारा गया कि मैं पवित्र हूँ. So when you think like that, जब आप उस प्रकार सोचते हैं, whole heart and your mind changes. आपका हृदय और मन पूर्ण तौर पर बदलता है. Think thoughts that are right in the sight of God. सोच और विचार परमेश्वर की उपस्थिति में ठीक है. Sanctified means you are set apart to God. शुद्ध किए गए का मतलब है कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया है. So you must call yourself that. आप अपने आप को पुकारें उसी प्रकार. So you're an elect of God. You're elected by God. आप चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा. You are holy. आप पवित्र हैं. The next one is you are beloved. आप प्रिय हैं. That's such a beautiful word. बहुत ही खूबसूरत शब्द है. You know, God said about Jesus. परमेश्वर ने यीशु के बारे में कहा. This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है. In whom I am well pleased. और उसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ. Because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं. God is calling us beloved. परमेश्वर हमें प्रिय के तौर पर पुकारता है. Call yourself that. अपने आप को उसी प्रकार पुकारें. Look yourself in the mirror and say, I'm the beloved child of God. आप उस आईने में देखकर कहें कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ. You know, but what happened after that? Soon after that happened, you see in Matthew chapter 3. क्या आप जानते हैं क्या होता है उसके बाद मत्ती उसके तीसरे अध्याय में? You know, soon after this voice came from heaven. जो आवाज जो स्वर्ग से आई. That Jesus is the beloved son of God. कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है. In whom God is well pleased. कि उसमें जिसमें परमेश्वर प्रसन्न है. In chapter 4 we see. और चौथे अध्याय में हम उसे देखते हैं. The temptations of Jesus. कि यीशु मसीह की परीक्षाएं. So in that the devil comes. और उसमें शैतान आता है. And he keeps telling him, if you are the son of God. और वो लगातार कहते रहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो. He was creating doubt in the heart of Jesus. वो शंका को डालता है यीशु के हृदय में. Are you the son of God? क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? And you know, he removed that word beloved from that list completely. वो चाहता है कि उस प्रकार प्रिय के उस शब्द को पूर्ण तौर पर उनमें से निकाल दे. Because he never wants you and me to think that I am beloved in the sight of God. क्योंकि वो चाहता नहीं कि आप और मैं इस प्रकार विचार करें कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं. Today also the devil does the same thing. आज भी वो शैतान उसी प्रकार करता है. When you call yourself the son of God. जब अपने आप को आप कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र. You call yourself elect. By God to know Him. अपने आप को कहें कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ उसे जानने के लिए. Call yourself holy. अपने आप को कहें कि मैं पवित्र हूँ. Call yourself beloved. अपने आप को कहें कि आप प्रिय हैं. You may go through some temptation. हो सकता है आप परीक्षा में से गुजर रहे होंगे. You may go through some tests. कोई परीक्षा से आप गुजर रहे होंगे. I encourage you to continue to say. मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि लगातार आप कहें. That you are elected by God. आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं. You are holy. आप पवित्र हैं. That you are beloved. और प्रिय है परमेश्वर के. Don't change your confession. आपकी उस मानना को ना बदले you know, कभी. The reason why Jesus won every war with the devil. शैतान के हर एक युद्ध से यीशु जयवंत हुआ कारण यह था. He knew he was the beloved son of the most high God. वो जानता था कि सबसे बड़े परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ. No matter what you're going through. चाहे आप कोई भी परिस्थिति से क्यों न गुजरे. Maybe very unholy. हो सकता आप पवित्र हो. You may think, oh, how can God love me? आप सोचते होंगे कैसा परमेश्वर मुझे प्रेम करेगा. So many bad things. मैंने कई बुरे काम किए. You know, the Bible has so many people who've done bad things. परमेश्वर के वचन में कई ऐसे लोग हैं जो बुरे काम किए. Even Paul. यहाँ तक पौलुस. Who wrote these lovely letters. जिन्होंने इन पत्रियों को लिखा था. Before he came to Christ. मसीह में आने से पहले. He was a murderer. वो एक खूनी था. Because Stephen was a disciple of Jesus. क्योंकि स्तिफानुस यीशु का एक चेला था. Who was stoned to death. और मृत्यु दिया गया था पत्थरवा के द्वारा. Paul was standing in this group. पौलुस वहाँ पर खड़ा था उस गुट में. कलेक्टिंग ऑल पीपल्स क्लोथ्स हु वर थ्रोइंग स्टोन्स एट स्टीफन. जो कोई पत्थरवा कर रहे थे स्टीफानुस के ऊपर उनके कपड़ों का रखवाली कर रहा था. ही वाज एग्रीइंग विद द पीपल टू किल स्टीफन. वो सहमत हो रहा था स्टीफानुस को पत्थरवा करने. आफ्टर दैट ही वाज ऑन अ मिशनरी ऑन अ ट्रिप टू गो एंड पुट ऑल द क्रिश्चियंस इन प्रिजन. और उसके बाद एक मकसद के साथ था कि हर एक मसीहियों को उस प्रकार कैद पर डाले. सो व्हेन कंपेयर्ड टू हिम आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर मच बेटर. उनकी तुलना की जाए उसके साथ हम में से कई लोग उससे बेहतर हैं. सो मेनी पीपल आर देयर इन द बाइबल हु वर नॉट द होली काइंड ऑफ पीपल. बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिसके बारे में बताई गई है जो अपवित्र हैं. चेंज देम.
मगर परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया. God brought them under subjection to himself. परमेश्वर उनको अधीन ले आया. God made them walk by faith. और विश्वास के द्वारा उन्हें बनाया गया. God revealed to Paul who Christ is. अपने आप को प्रकाशित किया कि पौलुस कौन है वो. And he can be in Christ. और वो मसीह में कौन हो सकता है. You see, he was totally changed and transformed. और पूर्ण तौर पर परिवर्तित हो गया था, बदल गया. By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा. Same way for you and me. उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन. No matter what you have done in the past. अतीत में कोई भी गलत काम क्यों ना किया. You can have a new life. आपको एक नया जीवन हो सकता है. Maybe you've done evil things. हो सकता है बुरे काम किए होंगे. But God is saying. लेकिन परमेश्वर कहता है. If you put your trust in my son Jesus. अगर आप भरोसा करते हैं मेरे पुत्र यीशु पर. And you call yourself what the Bible calls you. परमेश्वर का वचन जो कहता अगर आप अपने आप को कहें तो. By faith receive this word today that you are the beloved son of the Most High God. विश्वास के साथ आप ग्रहण करें कि सर्व सामर्थ्य परमेश्वर का प्रिय पुत्र हैं आप. You know, then things will begin to change in your life. तब आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा. God is looking for people who will agree with his word. परमेश्वर देखता है उन लोगों को जो वचन के साथ सहमत होते हैं. The rest of the thing lies in his hand. बाकी सभी बातें उसके हाथों में. We are humbling ourselves. अपने आप को दीन करें. To say I agree with this word. ये कहने के लिए कि मैं इस वचन से सहमत हूँ. Because the next one says bowels of mercies, kindness and humbleness of mind, meekness and long suffering. You know, you are a humble person. आप एक दीन व्यक्ति हैं. In the sight of God. परमेश्वर के सम्मुख में. When you agree with his word. जब आप सहमत होते हैं उसके वचन से. When you say I am in Christ. जब आप कहते हैं मैं मसीह में हूँ. And Christ is in me. और मसीह मुझ में है. The blood of Jesus has cleansed me from all sin. यीशु मसीह का लहू सभी पापों से मुझे शुद्ध किया. Made me a citizen of heaven. उस स्वर्ग का नागरिक बनाया. Elected by God. परमेश्वर के द्वारा चुना गया. Holy in the sight of God. पवित्र उस परमेश्वर के सम्मुख. Righteous in the sight of God. धर्मी उस परमेश्वर के सम्मुख. I am the most beloved child of God. और सबसे प्रिय पुत्र परमेश्वर का. Agreeing with scripture. आप परमेश्वर के वचन से सहमत हो रहे. And God calls you and me humble. तो परमेश्वर आपको और मुझे दीन के तौर पर पुकारता है. So when you are willing to agree with the word of God. जब आप तैयार होते हैं परमेश्वर के वचन से सहमत. God will bring to pass those changes that are required in our heart. जो कुछ हमारे हृदय में परिवर्तन होना है उन सभी बातों को वो ले आता है. There's only one person who can change hearts. केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारे हृदय को बदल सकता है. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु. You know, that's what he did when he came 2000 years ago. वही वो किया 2000 साल पहले जब वो इस जगत पर आया. He changed the hearts of sinners. और पापियों के मनों को उसने बदल दिया. He went and met with sinners. वो जाकर पापियों से He मिला. He showed kindness and goodness to them. उनको भलाई और करुणा को दिखाया. He forgave them. उनको क्षमा किया. He blessed them. उनको आशीषित किया. He ate with them. उनके साथ वो खाया. They experienced miracles in their heart. वो उनके हृदयों में अनुभव किए उस अद्भुत बातों को. Paul's heart was totally changed. पौलुस का हृदय पूर्ण तौर पर बदल चुका. He was changed from Saul to Paul. वो बदल चुका था शाउल से पौल की ओर. After he met with Jesus. जब वो यीशु से मिला. You know, today also you can meet with Jesus by faith. आज भी आप विश्वास के साथ यीशु से मिल सकते हैं. Call on his name. आप उसके नाम को पुकारें. He will answer you. वो आपको उत्तर देगा. He will show you great and mighty things. वो आपको दिखाएगा सामर्थ्य और बड़े काम. That you and I don't know. जो आप और मैं नहीं जानते हैं. He is a wonder working God. वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है. Miracle working God. चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. You need to call on his name. मगर उसके नाम को आपको पुकारना. You need to trust in his word. उसके वचन पर आपको भरोसा करना. You need to walk by faith. आप विश्वास के साथ चलना. You need to say Jesus is my Lord. आप कहें कि यीशु मेरा प्रभु है. You need to say Jesus rose from the dead for me. वो आप कहें कि यीशु में से मुर्दों में से जी उठा. And now I invite you, Lord Jesus. मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने हृदय में. Take over my life. मेरे जीवन को आप नियंत्रण करें. You be my everything. आप मेरे सब कुछ होंगे. You be my life. आप मेरे जीवन होंगे. You be my breath. आप मेरे श्वास होंगे. You in be in my mind. आप मेरे मन में होने पाओ. Give me your thoughts. आपके विचार को मुझे दे. Give me your word. आपके वचन को मुझे दे. Change my heart, Lord. मेरे हृदय को बदल दे प्रभु. Ready to do it. वो तैयार है करने के लिए. Let's pray. आइए प्रार्थना. Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं. Miracles are possible. चमत्कार हो सकते हैं प्रभु. Because you are a miracle working God. क्योंकि आप अद्भुत काम करने वाले हैं. Change our hearts, Lord. Everyone who's watching television. जो कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके हृदयों को तो बदल दे. Make us like Jesus. हमें तो बना यीशु के समान. As we come to you. जिस प्रकार हम आपके सम्मुख में आते हैं. Ask you to change our hearts. हम मांगते हैं कि हमारे मनों को तो बदल दे. Thank you for the work of the Holy Spirit. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आत्मा के कार्य को. यीशु के नाम. God bless you till we meet again. परमेश्वर आपको आशीष दे जब तक हम फिर से ना मिले. Call yourself an overcomer. आप अपने आप को कहें कि मैं पार करने वाला. Call yourself a beloved child of God. आप अपने आप को कहें कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ. Looking at yourself and saying, I'm going to be changed. आप अपने आप को देखकर कहें कि मैं बदलने वाला हूँ. I'm going to become like Jesus more. मैं मसीह के समान और मैं बनने वाला हूँ.
And that expectation will come to pass in your life. और वो आशा आपके जीवन में लगातार पूरी होगी. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army. Will you rise? Will you rise? Though we are weak, His grace is everything we need. Made of clay, but this treasure is within. He turns our weaknesses into His opportunities, so that the glory goes to Him. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army, we arise.